हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कुछ चोकर नेक डिज़ाइंस जो मैंने पिक किए हैं मीरो से। सो मीरो इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इंडियन वेयर ऑनलाइन सुपर स्टोर, जहां पर आपको खूब सारा एथनिक स्टफ़ मिलेगा, ऑल डिज़ाइनर ज्वेलरी है, डिज़ाइनर कपड़े हैं, एंड सभी ओकेजन्स के लिए, पार्टी के लिए, वेडिंग फंक्शंस के लिए, हर एक ओकेजन के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। बहुत सारी वराइटीज़ है लहंगाज की, सूट्स की, साड़ीज़ की, एंड डिफरेंट टाइप्स की ज्वेलरी की, चोकर नेकलेसेस हों या लॉन्ग नेकलेसेस हों, मांग टीका, स्टेटमेंट ईयरिंग्स, बैंगल्स, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। आप ज़रूर चेकआउट करना। मुझे बहुत पसंद आई इनकी वेबसाइट एंड मैंने कुछ चोकर नेकलेसेस वहाँ से पिक किए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शॉपिंग फ्रॉम मीरो एंड कमिंग वीडियोज़ में मैं इनके कपड़े वगैरह भी ट्राई करके आपको दिखाने वाली हूँ। सो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो क्विकली एंड मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चोकर नेकलेसेस वहाँ से पिक किए हैं। सभी चोकर नेकलेसेस ऐसे हैं जो ना हमेशा ट्रेंड में रहने वाले हैं, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होंगे एंड किसी भी आउटफिट के साथ आपके मैच हो जाएंगे। तो मैंने आज इनको पेयर किया है एक साड़ी के साथ एंड आप देख पाएंगे कि हर एक ज्वेलरी सेट के साथ किस तरह से पूरी साड़ी का लुक चेंज हो जाता है। सो इस तरह की ज्वेलरी आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी बॉक्स में। मीरो एक वेबसाइट है जो काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सो इस बार मैंने यहाँ से ज्वेलरी पिक की है। यहाँ पर आपको डिज़ाइनर ज्वेलरी मिल जाएगी, डिज़ाइनर एथनिक वेयर मिल जाएंगे, पार्टी से रिलेटेड, वेडिंग से रिलेटेड, इंडो वेस्टर्न स्टाइलिंग से रिलेटेड, हर टाइप के ओकेजन के लिए यहाँ पर आपको ज्वेलरी एंड कपड़े मिल जाएंगे। तो इस बार मैंने ज्वेलरी ट्राई की है, सो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। सो मैंने पिक किए हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चोकर नेक पीसेज जिनको मैंने अपनी एक साड़ी के साथ ट्राई किया है, कॉटन साड़ी के साथ पैरअप किया है एंड हर एक चोकर सेट के साथ ना पूरा साड़ी का लुक भी चेंज हो जाता है, जो मैं आगे आपको स्टाइलिंग के थ्रू दिखाऊंगी। सो यस, चोकर नेक पीसेज हैं एंड एक लॉन्ग नेक पीस भी है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एंड क्वालिटी अमेजिंग है सभी नेक पीसेस की। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं मस्ट हैव पीस से, जो है ये नेकलेस, और काफ़ी स्लीक सा नेकलेस है एंड हर एक एज में ये अच्छा लगेगा, हर एक आउटफिट के साथ ये अच्छा लगेगा एंड ऐसा नेकलेस अगर आपके पास होगा ना तो हमेशा यूज़ में आएगा। आप इसको सिंपल छोटे ईयरिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं, बड़े स्टेटमेंट ईयरिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि बड़े बड़े स्टेटमेंट ईयरिंग्स आपने पहने हैं, नेक में आपको कुछ पहनना है बट थोड़ा सा हल्का पहनना है, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे ऐसे नेकलेसेस काफ़ी अच्छे लगते हैं। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है इसका, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी। सो दिस इज़ द नेकलेस। इसके साथ कोई ईयरिंग्स नहीं है बट इसको आप किसी भी डिफरेंट ईयरिंग्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं, छोटे ईयरिंग्स, बड़े ईयरिंग्स, सबके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसको पेयर किया है अपनी इस कॉटन साड़ी के साथ, ग्रीन कलर की साड़ी के साथ एंड बहुत प्यारा लगा मुझे एंड इसके साथ मैंने ये ईयरिंग्स पहने हैं। ये दूसरे चोकर नेक पीस के साथ आया, मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो ऐसा सिंपल डिज़ाइन में एक नेकलेस ज़रूर होना चाहिए, हम सभी के ज्वेलरी बॉक्स में हमेशा काम में आता है। सो नेक्स्ट इज़ दिस चोकर नेकलेस। इसमें बिल्कुल ये पट्टी की तरह डिज़ाइन है एंड सामने इसमें इस तरह का पेंडेंट की डिटेलिंग है इसके साथ। सो ये रानी कलर में है, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी हैं, मल्टी कलर में भी है ये एंड इसके साथ हैं ईयरिंग्स। दीज आर द ईयरिंग्स जो इसके साथ हैं एंड मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे सेट्स, बिल्कुल गले में ऐसे चिपक कर आप चोकर पहन लो एंड राउंड ईयरिंग्स पहन लो, काफ़ी अच्छा लुक आता है। मेरे फेवरेट हैं इस तरह के चोकर नेकलेसेस एंड मैं काफ़ी ज़्यादा पहनती हूँ एंड मैंने यहाँ से भी इसी टाइप के चोकर नेकलेसेस ही पिक किए हैं क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद हैं। सो अगेन मैंने इसको इस साड़ी के साथ पैक किया है एंड ग्रीन के साथ ये मजेंटा पिंक कलर काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा एंड सिल्वर ज्वेलरी तो कॉटन साड़ीज़ के साथ, कॉटन फैब्रिक के साथ वैसे भी बहुत अच्छे से जाती है। तो दिन के लुक के लिए आप इस तरह के चोकर नेकलेसेस स्टाइल कर सकते हैं किसी सूट के साथ, कुर्ती के साथ या फिर साड़ीज के साथ, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, तो दिन के लुक के लिए ये ऐसे चोकर नेकलेसेस मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। सो यार, दिस इज़ हाउ इट लुक्स विद दिस साड़ी एंड सेकेंड लुक में मैंने इसको ट्राई किया है अपने इस चोकर नेकलेस के साथ। इसको थोड़ा सा लूज करके पहना है एंड ऊपर से ये चोकर पहन लिया, स्टैक करके पहना है थोड़ा सा और हैवी लुक के लिए। सो ये पतला वाला चोकर नेकलेसेस आप देख सकते हो कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमेशा काम में आता है। सो ऐसे स्टैक करके आप पहन सकते हो अपने सिंपल नेकलेस को और हैवी लुक दे सकते हो, दो नेकलेसेस को आप ऐसे ज्वाइन करके पहन लो। सो काफ़ी अच्छा लगता है, डिफरेंट लगता है। सो नेक्स्ट इज़ दिस चोकर नेक पीस। ये पर्ल की डिटेलिंग में है एंड ग्रीन कलर में है। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, वहाँ पर मैंने ग्रीन कलर में पिक किया एंड पर्ल्स तो हमेशा ही बहुत क्लासी लगते हैं। शिफॉन साड़ीज़ के साथ पहन लो, जॉर्जेट साड़ीज़ के साथ पहन लो या फिर कॉटन साड़ीज़ के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अगेन इसको अपनी ग्रीन साड़ी के साथ ही पेयर किया है एंड पूरा जो लुक है वो बहुत अच्छा आया।
थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाता है। जैसे ही आप अपनी ज्वेलरी चेंज करते हो, साड़ी का लुक ही चेंज हो जाता है। अगेन, आप इस तरह के नेक पीसेस पहन सकते हैं रात की किसी पार्टी में, अगर आप इवनिंग में किसी डिनर पार्टी में जा रहे हैं या फिर किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, वहाँ पे आप इस तरह के नेकलेसेस पहन सकते हैं। इवन आप पर्ल्स को दिन में भी पहन सकते हैं, पर्ल्स दिन में भी बहुत अच्छे लगते हैं शिफॉन साड़ीज़ के साथ, कॉटन साड़ीज़ के साथ। सो ये एक ऐसा नेकलेस है जिसको आप दिन में, रात में, किसी भी ओकेजन के लिए पेयर अप कर सकते हैं। इवन सूट्स के साथ, कुर्तीज़ के साथ भी आप इनको पहनेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इसके साथ छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं, सो इसके साथ ये छोटे से इयररिंग्स हैं, ग्रीन कलर का स्टोन है, नीचे ये पर्ल ड्रॉप है। एंड इसको आप विदाउट नेकलेस भी पहन सकते हैं, कानों में बस ऐसे छोटे छोटे इयररिंग्स पहन लो, अच्छे लगते हैं कुर्तीज वगैरह के साथ, सूट्स के साथ। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये नेकलेस सेट, बहुत क्लासी लुक आता है, साड़ीज के साथ तो काफ़ी स्टाइलिश लगेगा इस तरह का लुक, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, सिंपल भी एंड स्टाइलिश भी, एंड काफ़ी बड़ा बड़ा, ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी है, बट लुक कंप्लीट दिखता है। सो नेक्स्ट आते हैं थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी पर, वेडिंग फंक्शंस के लिए, थोड़े से हैवी ओकेजन्स के लिए जो ज्वेलरी होती है। सो सबसे पहले मैंने पिक किया है गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, इसके साथ इयररिंग्स भी हैं, चोकर नेकलेस है, एंड इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी प्यारा लगा, गोल्ड फिनिश में है पूरा, एंड इसके साथ सेम इससे मैचिंग की ये इयररिंग्स हैं राउंड में। एंड इस तरह के स्टड इयररिंग्स ना मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद आते हैं, इनको सिंपली ऐसे भी पहन लो विदाउट नेकलेस तो भी काफ़ी अच्छा स्मार्ट लुक देते हैं, कुर्ती के साथ या फिर साड़ी के साथ काफ़ी डिसेंट एलिगेंट लुक आता है। सो अगेन मैंने इनको अपनी इस ग्रीन साड़ी के साथ पेयर किया है। इस बार मैंने ना गजरा भी लगाया है बालों में, बन बना के गजरा लगा लिया है, एंड उसके साथ ये इस तरह का लुक काफ़ी अच्छा लगता है। गोल्ड ज्वेलरी पहनो, गजरा लगाओ साड़ी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। किसी भी वेडिंग फंक्शन के लिए आप ऐसे रेडी हो सकते हो, किसी फेस्टिवल के लिए रेडी हो सकते हो, पूजा वगैरह के लिए रेडी सकते हो। सो ये नेकलेस भी काफ़ी अच्छा है, साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा, कॉटन साड़ी के साथ आप इसको दिन में भी पहन सकते हो, रात में भी पहन सकते हो, एंड सिल्क साड़ीज के साथ ऐसे नेकलेसेस बहुत अच्छे से जाते हैं, तो सभी सिल्क साड़ीज के साथ आप इनको पेयर कर सकते हो। हर एक साड़ी के साथ ये मैच हो ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर सिल्क साड़ी में गोल्ड कलर की ही शाइन होती है या फिर गोल्ड बॉर्डर होता है, तो इस तरह के नेकलेसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप कोई भी साड़ी पहन लो, ये नेकलेस मैच हो ही जाएगा। सो अगेन, दिस इज़ अ मस्ट हैव पीस, आप ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी फाइन क्वालिटी में है, डिज़ाइन बहुत प्यारा है, एंड पहनने के बाद ना बहुत क्लासी लुक आता है। सो नेक्स्ट इज दिस नेकलेस, ये थोड़ा सा लॉन्ग में है, एंड ये लेयर्ड नेकलेसेस है, इसमें तीन लेयर्स हैं इस तरह से, एंड थोड़ा सा लॉन्ग में है, एंड अगेन वेरी सिंपल डिज़ाइन। मुझे इस तरह के सिंपल डिज़ाइन ही अच्छे लगते हैं ज्वेलरी में, बहुत ज़्यादा जिसमें डिटेलिंग होती है वो वाले नेकलेसेस वगैरह मुझे कम पसंद आते हैं। सो ये भी बहुत सिंपल डिज़ाइन में है, एंड अगेन अ मस्ट हैव पीस, क्योंकि ये भी बहुत सारी साड़ीज़ के साथ यूज़ हो जाएगा, बहुत सारे ओकेजन्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। सो अगेन, सिल्क साड़ीज़ के साथ इस तरह के गोल्ड प्लेटेड नेकलेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ झुमकी इयररिंग्स आए हैं, सो दीज आर द झुमकी इयररिंग्स जो मैंने इसके साथ पेयर किए हैं। मैंने इसको अपनी ग्रीन साड़ी के साथ ही अगेन पेयर किया है, गजरा हेयर स्टाइल के साथ इस ग्रीन साड़ी के साथ पहन लिए। देखिए, अगेन ज्वेलरी चेंज करते ही साड़ी का जो लुक है वो एकदम चेंज हो जाता है। सो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी में ना इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड स्पेशली इस तरह की ज्वेलरी जो बहुत सारी साड़ीज़ के साथ पैर हो सकती है, बहुत सारे ओकेजन में पैर हो सकती है। सो यस, इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड अगेन क्वालिटी अच्छी है इसकी, एंड इसका जो ये छोटा छोटा ये जो डिज़ाइन है ना, ये डिटेलिंग है, ये मुझे बहुत प्यारी लगी, एंड ये ना मैच हो रहा था इस गोल्ड चोकर नेकलेस के साथ भी, तो इसके साथ ना स्टैक करके भी आप इसको पहन सकते हैं किसी हैवी फंक्शन में, शादी वगैरह में अगर आपको जाना है, आपको हैवी नेकलेस पहनना है, तो आप ऐसे चोकर नेकलेस पहन लो, एंड उसके साथ ही लॉन्ग नेकलेस पहन लो, तो जो लुक है वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड इयररिंग्स फिर आप कोई भी पहन सकते हो, ये वाले, इसके वाले भी इयररिंग्स पहन सकते हो। सो यस, आई रियली लाइक दिस डिज़ाइन, द क्वालिटी, ओवरऑल लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस नेकलेस का। सो लास्ट है ये चोकर सेट जिसके इयररिंग्स मैंने पहने हुए हैं, दिस इज द नेकलेस, ये मल्टी कलर में है, अगेन अ मस्ट हैव पीस जो हम सभी के पास होना ही चाहिए। सो इस तरह के चोकर नेकलेसेस ना बहुत काम में आते हैं, हमेशा यूज होते हैं, क्योंकि मल्टी कलर में है ये, एंड थोड़ा सा डिफरेंट अगर आप चाहते हो, बिल्कुल प्लेन भी नहीं चाहिए, एंड थोड़ा सा कलरफुल आपको चाहिए, सो स्पेशली प्लेन साड़ीज के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल सी प्लेन साड़ी को आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हैवी दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह के मल्टी कलर में नेकलेसेस आप उसके साथ पेयर कर सकते हैं। अगेन किसी भी प्लेन साड़ी के साथ ये मैच हो जाते हैं, इवन किसी भी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी के साथ भी, अगर आप शादी फंक्शन में पहनना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी पहन सकते हैं, लहंगे के साथ पहन सकते हैं इसको, किसी हैवी अनारकली सूट कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं। सो वेडिंग फंक्शंस के लिए इस टाइप की ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके साथ ये इयररिंग्स हैं, राउंड में स्टड इयररिंग्स हैं, एंड इसमें भी मल्टी कलर में स्टोन्स हैं।
सो अपने आप में ये काफ़ी अच्छा सेट है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, क्वालिटी अगेन इसकी बहुत अच्छी है, इसकी स्टोन्स की डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, एंड ये भी एक ऐसा सेट है जो हमेशा काम में आएगा, यू नो आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। सो इस तरह के नेकलेसेस ना ज़रूर ऐड करने चाहिए अपने ज्वेलरी बॉक्स में। ये सारे ही पीसेज इनफैक्ट ऐसे हैं जो हमेशा काम में आएंगे, कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होंगे, एंड किसी भी आउटफिट के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं, किसी भी ओकेजन के लिए आप इनको पेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर आप चेकआउट करना, मैं लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, ज्वेलरी स्टाइलिंग कम हॉल वीडियो। आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं मीरा को, काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस में आपको ज्वेलरी वहाँ पर मिल जाएगी, चोकर नेक पीसेज, लॉन्ग नेक पीसेज, हर टाइप की ज्वेलरी वहाँ पर है। सो येस, लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो कि अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और चीज़ें ट्राई करूँ इस वेबसाइट से, तो मैं वो चीज़ें भी लेकर आऊँगी चैनल पर एंड आपको आपके साथ शेयर करूँगी उसका रिव्यू। सो येस, सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक्स के साथ। ऑल्सो आपके लिए मेरे पास एक कूपन कोड भी है, इसको यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए, एंड और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरा आईडी है myolivetrunk। So yeah, that's all for today guys. Thank you so much for watching. Milti hoon jaldi ye aapko apni next video mein. Keep smiling and take care. Bye. Cuz I can fly.